So guys, जैसे कि देख सकते हो पूरा टायर फट चुका है, पूरा हालत खराब हो चुका है टायर। So hello guys, welcome back to another video. So guys, कैसे हो आप लोग? आई हो सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो देख के पता लगा ही होगा वीडियो किस टॉपिक पे, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं आज टायर चेंज करवाने। तो काफी खराब हो चुका है, दोनों टायर ही एकदम पूरा खत्म हो चुका है। तो जल्दी जल्दी से जाते हैं और टायर पूरा बर्नआउट वगैरह मारेंगे। क्रेजी ब्लॉग है, तो आप लोग इंट्रो देख के पता लगा लिए होगा वीडियो कैसा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये अपनी गाड़ी में हम लोग आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं दोनों टायर चेंज करवाने, क्योंकि सामने का पीछे का टायर पूरा खराब हो चुका है। और गाइस, आज ग्लव्स वगैरह मैंने कुछ भी नहीं पहना, क्योंकि राइडिंग करने तो निकला ही नहीं हूँ मैं। सिर्फ अपना गाड़ी का थोड़ा टायर वगैरह चेंज करवाएंगे और उस मॉडिफिकेशन वाले के पास भी जाएंगे, क्योंकि अब रैप कराने का टाइम आ चुका है अपनी ड्यूक का। हम लोग मुंडली का आ चुके हैं और हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है गाइस। कैमरे में अगर थोड़ा सा भी गिरा तो बस कैमरा ब्लर। यार बारिश की वजह से भी ब्लॉग थोड़ा नहीं बन पा रहा है। जब भी साला निकलता हूँ बारिश होने लगता है। कोलकाता जब मैं टायर खरीदने गया था ना, तो पूरा दिन बारिश ही हुआ था, इसीलिए वो वाला ब्लॉग बना ही नहीं पाया मैं गाइस। ये चेंज कर दीदार वे, ये कर देगा, पूछिए एक बार। अबे यहाँ पे नहीं होगा बोल रहे हैं। 16-17 का सर एवरेज देगा तो बस हो गया काम खत्म, और गाड़ी का इंजन ऑयल भी खत्म हो जाता है जल्दी। गाड़ी में भी खराबी आती है, इसलिए मैंने एग्जॉस्ट खुलवा दिया है। तो कंटिन्यू लगा के भी रखना नहीं चाहिए। हाँ, लॉक में लगाओ, फिर उसके बाद खोल दो, कंटिन्यू लगा रहेगा ना तो गाड़ी फिर खराब ही हो जाएगा गाइस। तो आप लोग भी कंटिन्यू कभी भी एग्जॉस्ट लगा के मत चलाना, चेंज करते रहना, कभी स्टॉक एग्जॉस्ट कभी मॉडिफाइड। क्योंकि यार ABS है मेरे को पता है, फिर भी यार टायर पूरा खत्म हो चुका है। आज बर्नआउट मारने में स्मॉग वगैरह होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, तो कोशिश करेंगे बर्नआउट वगैरह मारेंगे। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहो, क्योंकि काफी मजा आने वाला है। पहले देखें कहाँ पे इस टायर को रिप्लेस करने वाला कोई दुकानदार ढूंढ लेता है, उसके बाद नहीं तो बर्नआउट करके टायर फोड़ के बस फंस जाएंगे, फिर घर नहीं जा पाएंगे। तो उससे पहले ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे सियागाला पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं। चेंज पॉकेट भी अब शायद जाने वाला है इसका आई थिंक, क्योंकि 15,000 प्लस चेंज पॉकेट चल चुका है इसका। खर्चा है भाई 50,000 अप्रोक्स खर्चा है इसमें। ये दो टायर है ना, ये दो टायर का ही 7,000 कितने रुपए पड़े हैं। C8 का टायर है 7,000 समथिंग कुछ पड़ा है। हम लोग ऑलमोस्ट सियाकाला आ चुके हैं। सियाकाला नहीं है, संदीपुर है, उसके बाद ही सियाकाला है। चेन में बहुत आवाज आ रही है, चेंज पॉकेट गया है पक्का। इस बार ना गोल्डन कलर का चेंज पॉकेट लगवाऊंगा। टायर चेंज हो जाए, चल उधर। वन आउट कहाँ पे मारे रे? आगे डुअल वे में, वो चला के ले आएंगे। क्या है थोड़ा सा ही तो आएंगे यहाँ पे। मार
तो गाइस जैसे कि देख सकते हो गाड़ी कितना गंदा हो चुका है, और बारिश में तो गंदा होएगा क्योंकि इधर देख सकते हो ये वाला C8 का टायर है और इसको हम लगवाएंगे। C8 जूम X1 लेकिन इसका टायर क्या हाल हुआ। So guys, जैसे कि देख सकते हो पूरा टायर फट चुका है, पूरा हालत खराब हो चुका है टायर। 3 राउंड में इस टायर को पूरा फटा, 3 राउंड में टायर पूरा फटा है और गाड़ी पूरा हीट हो चुका है गाइस। और यहाँ पे खुद ही ऑनलाइन करूंगा। सर यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक टायर काफी खतरनाक लगने वाला है। इससे भी मोटा है, 180 का वो घर पे रखा हुआ है। मैं इस बार लगाऊंगा नहीं, उसको नेक्स्ट टाइम लगाऊंगा। सो अभी इसको लगा के थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह देखते हैं कैसा क्या काम करता है, कैसा परफॉर्मेंस देता है। और ये लगेगा सामने, ये भी C8 का टायर है गाइस। सो दोनों टायर काफी बढ़िया है। सो जल्दी जल्दी से इसको इंस्टॉल करवाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भाई के पास डबल स्टैंड नहीं है, तो इसका जुगाड़ लगा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई, इससे मेरी गाड़ी को उठाया जाएगा। पता नहीं कैसे उठाएंगे, आई डोंट नो। गाइस यहाँ पैर दोनों लगवाने आए, उस बंदे के पास तो कुछ था नहीं स्टैंड वगैरह, डुअल स्टैंड भी नहीं था, बस मेरा स्टैंड ही खराब कर दिया उसने। थोड़ा सा बैन हो गया स्टैंड, सो बाकी सब कुछ हो चुका है फिटिंग। आप लोगों ने वीडियो पे देखा, बर्नआउट वगैरह मारा। और यार 2 टायर चेंज करने में ना ऑलमोस्ट इसने लगा दिया 2.5 घंटा भाई।
की तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो मेरा स्टैंड है ना थोड़ा बैन कर दिया उसने, क्या बताऊँ यार। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।